हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय GITU चैनल। आज के समय मैं बताने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑनलाइन। आप ऑनलाइन किस तरह से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC को किस तरह से अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरी GITU चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की न्यू लेटेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर लें पासपोर्ट इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे पासपोर्ट सेवा, इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप ऑलरेडी इसमें ID क्रिएट किए हुए हैं तो आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। अगर आपने अभी तक ID रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस वेबसाइट पे पासपोर्ट सेवा passportindia.gov.in पे तो आप न्यू यूजर पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ID क्रिएट कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे मेरी ID टाइप करता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड टाइप करना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे टाइप करें आपसे। लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका एक ऑफिशियल पेज पासपोर्ट सेवा का ओपन हो जाएगा सर। तो आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट टाइप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यू कैन अप्लाई फॉर पुलिस सर्टिफिकेट यूजिंग टू अल्टरनेटिव्स। यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PCC ऑनलाइन, इंटरनेट इज रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। यू कैन डाउनलोड द सॉफ्ट कॉपी, क्लिक कर दो। दो मेथड हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी प्रिंट लेके फॉर्म। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मेरा पासपोर्ट नंबर यहाँ पे टाइप करें। डेट ऑफ इशू जो आपके पासपोर्ट में सेम वही डेट आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी। एक्सपायरी डेट भी सेम आपके पासपोर्ट के पेज पे ही रहेगा, सेम वही देख के आप टाइप कर लें यहाँ पे। प्लेस ऑफ इश्यू जो आपके पासपोर्ट में है वही लिखें आप। रीजन कंट्री PCC रिक्वायर्ड सऊदी अरेबिया। पर्पस फॉर PCC इज रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट वीजा वर्क परमिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपका गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट में है सेम वही आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। नामदार है, जेंडर में, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, पैन नंबर अगर आपके पास है तो लिखें, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है। मेरे पास है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। इसके बाद वोटर ID भी अगर आपके पास है तो लिखें, ना तो छोड़ दें। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप अदर्स सेलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस मैरिड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास एंड अबव, आधार नंबर, इसके बाद आप आई एग्री डिटेल्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करें। यहाँ पे शो होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव सक्सेसफुली। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पे क्लिक करें।
इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपका फादर नेम जो आपके पासपोर्ट पे रहेगी लास्ट पेज पे, वही आप देख के टाइप कर लें यहाँ पे। मदर्स गिवन नेम, लीगल गार्डियंस गिवन नेम अगर एप्लीकेबल है तो टाइप करें, या तो जरूरत नहीं टाइप करने की। उसके बाद स्पाउस नेम, नेक्स्ट सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे करें। योर फॉर्म, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव सक्सेसफुली, नेक्स्ट। हाउस नंबर आपके जो पासपोर्ट में है सेम वही आप टाइप करें। विलेज टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। उसके बाद आप मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करें। ईमेल आईडी भी आपकी, सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करें। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद ये पूरे बॉक्सेस पे नो नो पे आ जाए। सेव माय डिटेल्स, ये इसमें क्या डिटेल्स है, ये पूछ रहा है कि आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है क्या, जैसा कि एग्जांपल आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस अलीज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय यू पेंडिंग बिफोर ए क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया, हैज एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग योर डिपार्चर फ्रॉम इंडिया हैज बीन मेड बाय एनी कोर्ट, यानी आपके इंडिया छोड़ने पे कोई पाबंदी लगाई है क्या कोई कोर्ट ने, तो वो डिटेल्स पूछ रहा है। तो अगर आप, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा केसेस नहीं है, कोर्ट नहीं है, तो आप नो पे कर दें। सेम डिटेल्स पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आई एग्री पे क्लिक करके सेम डिटेल्स पे क्लिक करें। प्रीव्यू पीसीसी फॉर्म, आप एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं फॉर्म आपका। प्रिंट पे क्लिक करके आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप एक इसको सेव भी कर ले सकते हैं। अभी ये कंप्लीट सबमिशन नहीं है, अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना है। जस्ट मैं एक प्रिंट पे क्लिक करके जस्ट मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। सेव हो गया है, इसको डायरेक्ट क्लोज कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं मेन आपके पेज पे, आईग्री पे क्लिक करके आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो चुका है, तो उसको आप एक अपने मोबाइल में एक फोटो स्क्रीनशॉट मार के रख लें। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा बैंक का।
दो मेथड है आप पेमेंट करने के, ऑनलाइन पेमेंट है और चालान पेमेंट है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, की वन नेम आ जाएगा, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे अवेलेबिलिटी आप चेक करें, लोकेशन पासपोर्ट सेवा केंद्र कलाबुरगी। अपने डिस्ट्रिक्ट की पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सर्च करके आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद आप ये कोड टाइप करें। नेक्स्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट अनदर अपॉइंटमेंट डेट, अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल इज 21 सितंबर को अवेलेबल है अभी, प्रोसीड टू क्लिक पे एन अपॉइंटमेंट और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें डेट। यहाँ पे देख सकते हैं फेस से ये जो रेड में है ये इसका मतलब है ऑलरेडी बुकड है, तो आप ग्रीन में जो है वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट बहुत फुल है कैटेगरी वाइज। तो अभी आपको अगर बुक करना है तो ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है वही डेट आप सेलेक्ट करके बुक कर सकते हैं, या नहीं तो अदरवाइज पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं आप अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर 21 सितंबर। 22 सितंबर को मैं यहाँ चेक करता हूँ क्या है, थर्सडे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 21 तो नहीं ले सकता, 22 को सेलेक्ट करूँगा। 22 सितंबर सेलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें, ओके पे क्लिक कर दें। ऑनलाइन पेमेंट का एक मेथड है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं क्या कार्ड के थ्रू, तो मैं यहाँ पे एस बैंक का डेबिट कार्ड है मेरे पास तो मैं इससे पेमेंट करूँगा। यहाँ पे हमारा रेफरेंस नंबर है, एक बार डिटेल्स चेक कर लें, पासपोर्ट टाइप, अमाउंट इन वर्ड्स, पासपोर्ट ऑफिस, फीस, कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कार्ड नंबर आप सेम टाइप करें, यहाँ पे इसके बाद एक्सपायरी डेट जो आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर लें, कार्ड होल्डर नेम जो आपके कार्ड पे है सेम एज इट इज वही नेम, सीवीवी नंबर जो बैक साइड है वही नंबर, टाइप द कैरेक्टर्स, पे पे क्लिक कर दें। पे पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा कंफर्मेशन के लिए, ओटीपी चला गया इस नंबर पे। अब ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर पे जो है वो है आपको आपको टाइप करना होगा सक्सेसफुल पेमेंट के लिए। मेक पेमेंट पे क्लिक कर दें, जैसे मेक पेमेंट क्लिक करेंगे योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस, हो रहा है आपका पेमेंट सक्सेसफुली, लेकिन अभी हुआ नहीं, अंडर प्रोसेस है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट डन सक्सेसफुली, आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। उसके बाद आप एक बार अपना passportindia.gov.in पे लॉगिन कर लें आईडी। पासवर्ड टाइप कर लें। कैप्चा टाइप करें यहाँ पे। लॉगिन पे क्लिक कर लें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यू सबमिटेड यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पे जाएं। यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस रहेंगे, आपका जो लास्ट एप्लीकेशन है उस पर आपको जाना होगा। ये लास्ट एप्लीकेशन नंबर है मेरा, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करें। अभी अपडेट नहीं हुआ है तो थोड़ी देर के बाद आप ट्राई करें, तो उसके बाद आपका ये अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप प्रिंट लेके पासपोर्ट ऑफिस विजिट करके अपना PCC करवा सकते हैं। तो आज के इस बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। बताया नेक्स्ट वीडियो।